जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क क्या होता है ये मैं पहले आपको समझा दूं, उसके बाद फिर हम टॉर्क जो है उसके बारे में आपको डिटेल में उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन बताएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, रोटेशनल मोशन में भी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ वैसी ही होती हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में एक कंसेप्ट आता था मास, तो रोटेशनल मोशन में उसकी जगह कौन सा आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पर एक टर्म आता था मोमेंटम, तो यहां पर एक टर्म आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। वहां पर आती थी वेलोसिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर आता था जो फोर्स, जो काम फोर्स किया करता था वही काम यहां पर करेगा टॉर्क। मतलब फोर्स वाला काम यहां पर टॉर्क करेगा। फोर्स का काम क्या था? फोर्स का काम था किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को बदल देना। जो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, जिस तरह से वो चल रहा है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। तो टॉर्क का काम क्या होगा? बॉडी की रेट ऑफ, मतलब स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करना। बेसिकली टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रोटेशन में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रोटेशन में चेंज के लिए टॉर्क जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब जैसे ये सामने दरवाजा दिख रहा है, मैं थोड़ा इसका स्टेट ऑफ रोटेशन जो है आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए दरवाजा है, अब ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बाहर से, इधर से सबको दिख रहा है हा? अगर इस दरवाजे पे मैं यहां फोर्स लगाऊं, यहां पे लगाऊं, ठीक है, या यहां पे लगाऊं या यहां पे लगाऊं, मान लो एक न्यूटन का फोर्स मैंने यहां लगाया, या एक न्यूटन का फोर्स मैंने यहां लगाया, या एक न्यूटन का फोर्स एकदम किनारे पे लगाया, तो किस केस में ज्यादा रोटेट करेगा? एकदम किनारे पे। क्यों किनारे पे ज्यादा रोटेट करेगा? क्योंकि टॉर्क जो है वो एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। उसके अलावा अगर मान लो कि ये फोर्स मैं यहां पे 5 न्यूटन का लगाऊं या यहीं पे 10 न्यूटन का लगाऊं, तो किस केस में ज्यादा रोटेशन होगा? 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब टॉर्क डिपेंड करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड पे। कम फोर्स लगाएंगे तो कम घूमेगा, ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा घूमेगा। उसके अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है उसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करेगा। और उसके अलावा तीसरी चीज पे जो डिपेंड करता है वो बेसिकली एंगल होता है। एंगल कैसे? जैसे आप ऐसे समझेंगे, दरवाजा है, इस दरवाजे को अगर मुझे घुमाना है तो घुमाने के लिए मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर मैं दरवाजे पे ऐसे फोर्स लगाऊं, देखिए आप लोग आके भी देख सकते हैं, ऐसे लगाऊं, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा था मैं? ऐसे दरवाजे को उस तरफ खींचूं, तो अगर मैं दरवाजे को आगे की तरफ खींचूंगा तब ये दरवाजे के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगा। बहुत ज्यादा जोर लगा देता मैं, सन्नी देवल आ जाते तो उखड़ जाता दरवाजा, लेकिन घूमता नहीं। तो कहने का मतलब है कि टॉर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लग रहा है, एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और साइन थीटा कितना है। फोर्स और जो रेडियस है दोनों के बीच एंगल कितना है। एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी। मेरा पॉइंट समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा था? तो टॉर्क डिपेंड करेगा एक्सिस से डिस्टेंस पर, दूसरा डिपेंड करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, और तीसरा डिपेंड करेगा फोर्स और पोजिशन वेक्टर के बीच में एंगल पर। ठीक है, तो इस चीज को मैं अच्छा देखा होगा तुमने दुनिया में बहुत सारे जैसे दरवाजे देखे होंगे, महंगे महंगे लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के दरवाजे, डिजाइनर दरवाजे होते हैं। ठीक है, लेकिन हर दरवाजे में ये जो होल्ड कर खींचने के लिए जो लगा होता है वो किनारे ही लगा होता है। अगर मैं ऐसे सोच रहा था एक दिन कि अगर मैं इसको बीच में लगाता तो दरवाजा बहुत सुंदर लगता, सिमेट्री आ जाती ना, मैं किसी भी चीज में सिमेट्री सुंदर बनाती उसको। तो ये हैंडल जो मैंने लगाया हुआ है किनारे पे, अगर मैं बीच में लगाता तो बहुत सुंदर लगता, लेकिन हैंडल कभी बीच में लगेगा नहीं, क्योंकि जितना दूर होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है आर्कमिडीज थे या कोई साइंटिस्ट थे, मुझे नाम उनका भूल रहा है, मतलब नाम नहीं याद है, उन्होंने बोला था कि अगर मुझे प्रॉपर स्पेस में बैठने की जगह मिल जाए और खूब बड़ा सा एक रॉड मिल जाए तो मैं धरती को डिस्प्लेस कर सकता हूं। मतलब ऐसा उन्होंने क्लेम किया था, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप बहुत दूर से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे तो कम फोर्स से भी ज्यादा टॉर्क मिल जाएगा ना। ठीक है, या जो जैसे हैंडपंप होता है, तो हैंडपंप जो होता है उसका जो हैंडल होता है, पानी भरते ना, उसका जो हैंडल होता है बहुत ज्यादा दूर लगाया जाता है, जितना ज्यादा दूर होगा हैंडपंप उतना ताकत से पानी खींच पाएगा। या जो नट क्रैकर्स होते हैं या जो रेंच होती है, जैसे कभी कभी कोई नट बोल पुराना हो गया तुमको खोलना है, तो उसका जो हैंडल होता है उसको खुद दूर मारते हो तो ज्यादा आसानी से वो खुल जाता है। बात समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो
टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क डिपेंड्स अपॉन पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है। दूसरा एक्सिस से डिस्टेंस बोले हम या पोजीशन वेक्टर बोले, दोनों एक ही बात है, मैं ज्यादा एक्यूरेट बहुत बात कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर जिस जगह पे फोर्स लग रहा है उस जगह का पोजीशन वेक्टर, और तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। टॉर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, पोजीशन वेक्टर पे, फोर्स और पोजीशन वेक्टर का जो मतलब एंगल है साइन थीटा इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। वर्क का भी यूनिट होता है, न्यूटन इंटू मीटर वर्क का भी यूनिट होगा, लेकिन वर्क वाला जो न्यूटन इंटू मीटर है उसको जूल बोलते हैं, लेकिन जो टॉर्क वाला न्यूटन इंटू मीटर उसको जूल नहीं बोल सकते। मतलब ये समझ लेना कि दोनों न्यूटन इंटू मीटर है, लेकिन वर्क वाला जो वर्क या एनर्जी वाला जो न्यूटन इंटू मीटर है उसे जूल कह सकते हैं, टॉर्क वाले न्यूटन इंटू मीटर को जूल नहीं कह सकते हैं। अब मैं आपको टॉर्क निकालना सिखाऊंगा किसी भी फोर्स का, किसी भी पॉइंट के अबाउट। टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट किसी भी फोर्स का किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना सिखाऊंगा। सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है O, हम मान लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं। बॉडी के इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि फोर्स लग रहा है वेक्टर F, और जिस जगह पे फोर्स लग रहा है उसका पोजिशन वेक्टर है वेक्टर R। जिस जगह पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर आर है। सोच के बताओ, ऐसे कॉमन सेंस से बताओ कि ये जो फोर्स है, अगर मान लेते हैं कि इस एक्सिस के इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होना है, तो ये जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कर लो कि एक रॉड है उस रॉड और इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, हम रॉड को ऐसे खींच रहे हैं, तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा ना, ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो टॉर्क आएगा, जो भी टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। खैर, इस टॉर्क की जो वैल्यू आएगी, जो भी इस टॉर्क की वैल्यू आएगी वेक्टर टॉर्क, ये आता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क की जो वैल्यू आती है वो आर क्रॉस एफ के बराबर आ जाती है। ठीक है, जहां पर वेक्टर आर क्या है? एक मिनट, तुमको तो बता चुका हूं, एक बार तुमसे पूछ भी चुका हूं। राहुल तुम बताओ वेक्टर आर क्या है? किसका? एक्सिस नहीं, किस चीज, किस पोजीशन वेक्टर तो किसी पार्टिकल का होता है ना, या किसी पॉइंट का होता है, तो किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, नहीं, जिस पॉइंट पे ये फोर्स एफ लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस जगह पर ये फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और किस पॉइंट के अबाउट है? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है हमें, टॉर्क अगर ओ के अबाउट निकालना है तो पोजीशन वेक्टर, अगर मान लो यहां ओ डैश के अबाउट निकालना होता कोई पॉइंट, तो ये हो जाता पोजीशन वेक्टर। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर, जिस जगह पर फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अब इसमें कुछ और बारीक बारीक बातें हैं जिनको समझेंगे। टाउ जो था वो आर क्रॉस एफ के बराबर था, आर क्रॉस एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं आर एफ साइन थीटा लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर साइन थीटा इंटू एफ। अब ये आर साइन थीटा क्या होगा इसको एक बार समझिए आप लोग अच्छे से। ये आर हो गया और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा है, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, और मैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये ओ एम किसके बराबर होगा?
ओएम ध्यान से देखो, आर साइन थीटा हो जाएगा ना, ये आर है ये थीटा है, तो ओएम हो जाएगा आर साइन थीटा। और इसी आर साइन थीटा को मैं खास नाम से बुलाऊंगा, इसको मैं आर परपेंडिकुलर बोलूंगा। टॉर्क की ये डेफिनेशन जो है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ है, और ये डेफिनेशन जो है सबसे ज्यादा यूज करी जाती है फिजिक्स में। मतलब आर फंडा बेसिक डेफिनेशन तो आर क्रॉस एफ है, लेकिन जो इस्तेमाल करी जाती है फिजिक्स में, खास करके इंजीनियरिंग में जब आप जाएंगे तो टॉर्क निकालने के लिए इसी आर परपेंडिकुलर को हम लोग यूज करते हैं। आर परपेंडिकुलर को इंजीनियरिंग में, अभी नहीं, इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे तो उसको आर्म लेंथ बोला जाता है, इसका नाम है, विशेष नाम से बुलाते हैं। कोर्सेज होते हैं ना मैकेनिक्स के, या कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर आप में से बनेंगे, तो आर परपेंडिकुलर जो है वो आर्म लेंथ कही जाती है। और इसका मतलब क्या है, आर परपेंडिकुलर को थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे तरंग, आप समझाओ मुझे, अगर शब्दों में समझाना हो कि आर परपेंडिकुलर क्या है। आर परपेंडिकुलर जो मतलब जिस पॉइंट के अलोंग डॉट लगा है, हाँ हाँ, उसके और मतलब वो जो लाइन ऑफ फोर्स जो है, हाँ हाँ, उससे मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी उसकी लेंथ। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल सही बोला आपने, थोड़ा सा इसको मैं और ज्यादा क्लियर बोल दूं। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर पॉइंट ओ से डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई, जो भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसकर यहां से डाले गए परपेंडिकुलर लंबाई, ठीक है। अगर मान लो फोर्स ऐसे जा रहा होता, इस तरह से फोर्स होता, ओ से ही गुजर रहा होता, तो टॉर्क कितना हो जाता, जीरो। ये भी जो मैंने दरवाजा खींचा था उस वाले केस में यही हो रहा था कि जो फोर्स है वो पॉइंट ओ से ही गुजर जा रहा था, तो टॉर्क उसका जीरो आ जा रहा है। बात समझ में आ रही सबको? तो आर परपेंडिकुलर चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, length of the perpendicular drawn from O on the line of action of force, on the line of action of force, ये हो गया। एक टॉर्क की देखो सबसे पहली डेफिनेशन थी आर क्रॉस एफ, अगर आर और एफ वेक्टर फॉर्म में दिए तो आर क्रॉस एफ से निकाल लेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए हैं तो टाउ को मैं लिख सकता हूं आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तीसरी जो डेफिनेशन है वो देखो, टाउ है आर इनटू एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा को मैं एफ परपेंडिकुलर बोल सकता हूं, एफ साइन थीटा को मैं एफ परपेंडिकुलर ही बोल सकता हूं। एफ परपेंडिकुलर मान लो तुम्हें समझाना हो किसी को, राहुल अपने छोटे भाई को समझाना हो एफ परपेंडिकुलर क्या है, तो कैसे समझाओगे? सर जो लाइन ऑफ सर जो पोजीशन वेक्टर है, हाँ, उसके पोजीशन वेक्टर के अलावा सर एफ का परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला साइन थीटा हो जाएगा, तो एफ परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। लिख लो, मैं लिख दे रहा हूं एफ परपेंडिकुलर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इन तीनों की जरूरत पड़ती रहती है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, ये तो टॉर्क की किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हमें टॉर्क का कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। एक सवाल देने जा रहा हूं मैं, करें इसको, टॉर्क के कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4.3, ठीक है, ये ओरिजिन है, और ये कुछ इस तरह से लग रहा है ऐसे, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताएं इसका, 80 न्यूटन या न्यूटन इंटू मीटर, 80 न्यूटन इंटू मीटर, डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन दिशा आउटवर्ड, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन घुमाएगा कैसे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखें इधर आ जाए, सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, राहुल आ जाओ बेटा, तरंग इधर आ जाओ, देखते हैं करें, ठीक है, हाँ बेटा चलो कर लो, अच्छा कर लो,
एटीआर है ना। तो देखो इसमें बस सीधी सी बात है कि डेफिनेशन का सवाल है, डेफिनेशन ही सिखाना था मुझे। ये फोर्स जा रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे, यहां से परपेंडिकुलर गिरा देना। जो अपने पास टॉर्क की डेफिनेशन थी वही तो थी ना, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन पे यहां से परपेंडिकुलर अगर हम गिराएंगे तो ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा फोर। यहाँ फोर आ गया और फोर्स की वैल्यू 20 थी, हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर। आपसे कोई कहता है कि भाई इसका डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। देखेंगे ध्यान से, ये वेक्टर आर हो जाएगा, ये वेक्टर एफ है, तो आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर इधर आ गया एफ इधर आ गया, तो आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होगा। जैसे कोई भी वेक्टर बाहर की तरफ होता है तो गोला बना के डॉट बना देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर क्रॉस बनाते हैं तो अंदर की तरफ होता है, तो हमने डॉट बना दिया तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी ये 20 न्यूटन। अच्छा, इसी का सेंस ऑफ रोटेशन आपसे कोई पूछे घुमाना कैसे चाहेगा, तो उसको अगर सेंस ऑफ रोटेशन आपको जानना है तो आप ये मान लीजिए कि एक रॉड है और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, रॉड कैसे घूमेगी। अगर रॉड यहां पे हिंज है और इधर पोस्ट लगा रहा हूं मैं, तो ऐसे घूमेगी रॉड, ऐसे घूमेगी, यानी सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। एक और छोटा सवाल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0। तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताओ, टॉर्क अबाउट ओरिजिन। तो जैसे मुझे टॉर्क निकालना है तो एक तो आर क्रॉस एफ है ही अपने पास, हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि इधर आप क्या करो, एक इधर कंपोनेंट कर लिया इसका 12, क्योंकि कॉस 53 होता है 3/5, तो 20 × 3/5 कितना हो जाएगा 12, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा 20 sin 53, साइन 53 का मतलब 16 हो जाएगा। अब देखें ध्यान से, तो ये वाला जो फोर्स है ये तो ओरिजिन से गुजर रहा है, तो इसका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, इसी वाले का टॉर्क आएगा, और इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाएंगे तो 3 हो जाएगी ये, तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16 × 3 यानी 48। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इनवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर ये है, ये आर वेक्टर हो गया, इधर एफ इधर हो गया, तो आउटवर्ड हो गया। सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आएगा, एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा, जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉक वाइज आएगा। कोई डाउट इसमें, चलिए एक और क्वेश्चन करें। ये कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 3, −4, ठीक है, और 3, −4 का मतलब ये हो गया कि ये 4 यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है, और ये एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, तो फोर्स 10 न्यूटन का है, ये एंगल है 37 डिग्री। तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताओ, 3, −4 पे फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स है और 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन इसमें से जैसे दिख नहीं रहा कि डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है, आर परपेंडिकुलर क्या है, तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये है ना, इसमें तुम सीधे चलो आर क्रॉस एफ लगा दो, जो आना होगा आ जाएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आर क्रॉस एफ सीधे लगा दो। आर वेक्टर क्या होगा, पोजिशन वेक्टर होगा 3i·4j·10, यही होगा। अब फोर्स वेक्टर लिख देता हूं मैं, देखो फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 10 cos 37 जो आएगा वो 8 आ जाएगा, और 10 sin 37 − 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8i·−6j·, ये आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं जैसे मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। इसका इसके साथ क्रॉस लेंगे तो, इसका इसके साथ क्रॉस लेंगे तो आई क्रॉस जे होता है के, आई क्रॉस जे तो ये जाएगा माइनस 18 के कैप, माइनस पहले से है ना। फिर जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, नहीं माइनस के, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होगा तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, तो ये माइनस के बराबर होगा और एक माइनस यहाँ पहले से बैठा हुआ है तो प्लस 32 के कैप। तो ये सॉल्व करने पे फाइनली कितना आ गया, 14 के कैप। तो जो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा वो 14 यूनिट होगा और डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन किधर होगा, रोटेशन रोटेट कैसे कराएगा, सेंस ऑफ रोटेशन आप ऐसे समझ सकते हो, ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये वाला, ये आएगा 53 डिग्री, ये 53 आएगा, 37 आएगा। और सही फिगर जानते हैं क्या, जानबूझ के ऐसे बनाया गया था, सही फिगर इसका कुछ ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ये 37 ही है ना, ये ये 53 है, 37 है, सही फिगर ऐसे होगा। तो अब अगर इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो ये कैसे घुमाएगा, इस तरह से घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका सेंस ऑफ रोटेशन। हाँ मतलब इस तरह भी आप सोच सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर देख के आप सीधे बोल सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमा रहा होगा, ऐसे घुमा रहा होगा, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा और वैल्यू इसकी 14 यूनिट हो जाएगी, ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को। चलिए तो ये जैसे टॉर्क को कैलकुलेट करने के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, टॉर्क के कैलकुलेशन से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिस मैं आपको कराने जा रहा हूं। सपोज करें कि ये दीवार है और दीवार के सहारे हमने रॉड लगा दी, जैसे कई बार सीढ़ी लगा के हम लोग ऐसे दीवार के सहारे सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं ना, तो उसी पर ये क्वेश्चन बना हुआ है कि दीवार के सहारे हमने सीढ़ी लगा दी, ये एंगल थीटा के बराबर है और ये रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ l के बराबर है, और यहां पर जो नॉर्मल लग रहा है वो n1 है, यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो f1 है, रॉड ऐसे फिसलना चाहेगी तो f1 फ्रिक्शन लग रहा है, यहां जो नॉर्मल लग रहा है वो n2 लग रहा है। अच्छा ये बताओ आप, यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लग रहा होगा, ना ऊपर लग रहा होगा ना भाई, रॉड के अंदर टेंडेंसी क्या होगी, नीचे आने की होगी ना, नीचे आने की होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा F2, ये N2 हो गया, ये F2, ये N1 F1, रॉड का मास है, रॉड की लेंथ L है, इस पॉइंट को मैं A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ और सेंटर ऑफ मास को मैं C बोलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट A, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट सारे जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका टॉर्क लिखें, एल लेंथ। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखें इधर आ जाए सब लोग। तो जैसे मैं ऐसा मान रहा हूं कि क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो F1 और N1 तो यहीं से गुजर रहे हैं, तो इनका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, एक MG भी लग रहा होगा, इसका टॉर्क आएगा N2 का आएगा, F2 का आएगा। सबसे पहले मैं MG का टॉर्क लिखता हूँ, A पॉइंट के अबाउट अगर मुझे टॉर्क लिखना है तो MG का टॉर्क क्या होगा, MG की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर यहां से परपेंडिकुलर गिराएं, ये लेंथ होगी L/2, तो ये कितनी हो जाएगी, L/2 cos थीटा, और MG का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉक वाइज आएगा, ऐसे घुमा रहा है ये, ठीक है। तो मैं MG इंटू L/2 cos थीटा, ये A के अबाउट टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब N2 जो है, ठीक है, अगर N2 का टॉर्क निकालें तो N2 जो है उसका टॉर्क अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से घुमा रहा होगा तो एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, और N2 की लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम परपेंडिकुलर गिराएं, N2 की लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा N2 इंटू L साइन थीटा, ठीक है, माइनस N2 इंटू L साइन थीटा। फिर उसके बाद F2 की लाइन ऑफ एक्शन, F2 का क्लॉक टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, F2 का भी एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ऐसे ही तो घुमाएगा ये, इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ऐसे ही रोटेट कराएगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और F2 की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये आ जाएगा L cos थीटा, तो माइनस F2 इंटू L cos थीटा ये हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा माइनस F2 इंटू L cos थीटा, ये A के अबाउट टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप टॉर्क लिखिए C के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखिए, सारे लोग C के अबाउट टॉर्क लिखिए, C जो पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क लिखिए,
सी के अबाउट अगर हमें टॉर्क लिखना है तो सी के अबाउट अगर देखा जाए तो एम जी का टॉर्क तो जीरो आएगा। मैं एफ वन से स्टार्ट करता हूँ, एफ वन का टॉर्क कैसा आएगा? क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज? एंटी क्लॉक वाइज। एफ वन का एंटी क्लॉक वाइज आएगा तो मैं लिखूंगा माइनस एफ वन इंटू एफ वन। एफ वन की लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम यहां से परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एल बाई टू साइन थीटा। एन वन का जो टॉर्क आएगा इस पॉइंट के बोर्ड देखें तो एन वन ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज आएगा, तो प्लस एन वन। और एन वन की लाइन ऑफ एक्शन पे यहां से परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये एल बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो प्लस एन वन इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। एफ जी का जीरो आ चुका है। एन टू का देखेंगे, एन टू का जो आएगा वो इस तरह से आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस एन टू इंटू एन टू की लाइन ऑफ एक्शन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई आएगी एल साइन थीटा, माइनस एन टू इंटू एल साइन थीटा कहाँ बाई टू नहीं एन, अच्छा हाँ बाई टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिस्टेंस निकालनी है ना, ये निकालनी है ना, तो ये डिस्टेंस आएगी एल बाई टू साइन थीटा, सही है। प्लस एफ टू का निकालना है तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, तो माइनस एफ टू इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, एफ टू की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर लेंगे ये डिस्टेंस सही होगी तो एल बाई टू कॉस थीटा जाएगा। कितने बच्चों का पूरा सही आया? एकदम सही, ठीक है, तो पूरा सही आप लोगों का आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच जो रिलेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूं। अगर हम लोग एफ इज इक्वल टू एम ए की तर्ज पे देखें, उसी हिसाब से मेंटेन करें, तो टाउ और इसके बीच का जो रिलेशन आता है tau is equal to i alpha। आया कहां से? मैं ये भी आपको प्रूव करके बताऊंगा tau is equal to i alpha कैसे आया। थोड़ा सर्कुलर मोशन, थोड़ा रोटेशन, दोनों का कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये कैसे आया इसको समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा प्रूफ दे रहा हूं इसका। ये सपोज करिए कोई बॉडी है, इस एक्सिस के बॉर्ड रोटेट कर रही है और एंगुलर एक्सेलेरेशन ओमेगा है, ठीक है, सॉरी एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा के बराबर है। और यहां पर कोई एक पार्टिकल चूज कर लेता हूं मैं, सपोज करो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है ये सर्कल में घूम रहा होगा, यहां ले लिया मैंने, कोई भी एक पार्टिकल है जिसका जो जिसकी एक्सिस से दूरी आर वन है और ये एक सर्कल में घूम रहा होगा। ये जो सर्कल है इस सर्कल को मैं अलग से बना रहा हूं, अभी तो ये सर्कल इस तरह से है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल को मैंने ऐसे बना लिया, मान लीजिए इसका रेडियस आर वन के बराबर है। और जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो दो एक्सेलेरेशन होते हैं, कौन कौन से? एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल वाला हो जाएगा एसी और टेंजेंशियल वाला हो जाएगा एटी, ये दो एक्सेलेरेशन होंगे। अब ये डायरेक्शन के साथ अगर मुझे लिखनी है तो मैं इसमें वेक्टर लगा सकता हूं। तो अब जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टॉर्क अगर निकालना चाहता हूं तो इसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क आएगा अगर मैं लिखूं तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर जो टॉर्क लग रहा है, बाकी बहुत सारे होंगे, इसका मास मैं m1 लेता हूं, ऐसे m2 होंगे, m3 होंगे, m4 होंगे, तो इस पर लगने वाला टॉर्क अगर मैं tau1 बोलूं तो वो हो जाएगा वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर f1, वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर f1, और f बराबर m ही होता है तो वेक्टर f1 की जगह मैं लिख सकता हूं m वेक्टर ac प्लस वेक्टर at, ऐसे लिख सकता हूं, दो एक्सेलेरेशन है ac और at, तो ये हो जाएगा m वेक्टर r1, इधर लिखता हूं इस तरह, यहां तक आपने नोट कर ही लिया है। तो जो tau1 आएगा इसकी वैल्यू आएगी m वेक्टर r1 क्रॉस ac प्लस m वेक्टर r1 क्रॉस at, या गया ना? अगर आप इस एक पार्टिकल पे जिसका मास m1 है और जिसका रेडियस r1 है इस एक पर अगर टॉर्क लिखे, एक का टॉर्क पता चल जाएगा तो सबका उसी तर्ज पे आ जाएगा, तो इस एक के ऊपर टॉर्क लिखे तो m1 r1 क्रॉस ac प्लस m1 r1 क्रॉस at, यहां तक आ जाएगा, इसमें कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ गई। अब ये दो टर्म लिखे उसमें से एक जीरो होगा, कौन सा जीरो होगा? ये जो दो टर्म लिखे हैं इसमें एक जीरो आएगा, एक ये वाला टर्म है, ये वाला कौन सा जीरो होगा? पहले वाला। क्यों जीरो होगा? एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो R1 और AC अगर इनके बीच एंगल 180 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो ये एंगल 180 डिग्री आ जाएगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया। बचा क्या अपने पास? अपने पास ये बचेगा M R1 AT। अब ध्यान से देखें कि R1 और AT के बीच एंगल कितना है?
90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये R1 क्रॉस 80 जो है, अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू लिखूं, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, अब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, M1 R1 और 80 की जगह हो जाएगा R1 अल्फा, 80 की जगह R1 अल्फा हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा, ये जाएगा टाउ1, टाउ1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इसका डायरेक्शन देखो जरा ध्यान से, अगर आप R1 और 80 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमेशा एक्सिस के लॉन्ग आएगा, अलॉन्ग द एक्सिस आएगा, अगर आप देखें ये R1 इधर था, 80 अंदर के ऐसे सर्कल में घूम रहा था, R1 इधर था, 80 या यहां पे देख ले, ये R1 है, ये 80 है, तो इस तरफ आएगा ना, तो ये एक्सिस के लॉन्ग आएगा, जो जो टॉर्क की वैल्यू आई इस वाले पार्टिकल पे अलॉन्ग द एक्सिस आई। ऐसे दूसरा पार्टिकल M2 मास का ले ले, R2 डिस्टेंस पे, उस पर टॉर्क कितना हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा, तीसरे पे M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फा, और सबका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा, तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू अल्फा, ये हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो टाउ इज इक्वल क्या हो गया, आई अल्फा, अल्फा भी एक्सिस के लॉन्ग होता है और टॉर्क भी एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमने प्रूव कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जैसे अगर मुझे इस पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क निकालना है किसी एक पार्टिकल पे, M1 मास का जिसका रेडियस R1 है, तो टॉर्क होगा R क्रॉस F, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन के दो टुकड़े होते हैं AC और AT, तो टॉर्क जो होगा R1 क्रॉस M AC प्लस AT, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा M R1 क्रॉस AC प्लस M R1 क्रॉस AT, R1 क्रॉस AC जीरो होगा क्योंकि R1 और AC के बीच का एंगल जो आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो R1 क्रॉस AC जीरो आ जाएगा, तो बचा R1 इंटू AT। अब मैं अगर वैल्यू लिखूंगा तो A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, R1 और AT के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा A B साइन 90, साइन 91 हो गया, 80 की जगह R1 अल्फा हो गया, तो ये टाउ 1 इसके बराबर आ गया, टाउ 2 आएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे सारे पार्टिकल्स के ऊपर टॉर्क लिखेंगे तो ये सबका जोड़ हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि टाउ जो है वो I अल्फा के बराबर है। कोई भी रिजिड बॉडी है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टाउ इज इक्वल टू I अल्फा जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, ये सपोज करो कि एक रॉड है और ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ l है, सपोज करो ऐसे जैसे मेरा हाथ है ये, तो ये मेरा हाथ एक रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, इसको अगर मैं एकदम फ्री कर दूं, अभी तो मैंने मसल से इसको रोक रखा है, एकदम फ्री कर दूंगा तो ये मेरा हाथ क्या करेगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये रॉड है, अभी फिलहाल रोक के रखा था, एकदम से रॉड को हमने रिलीज किया, एकदम से रिलीज किया हमने, तो इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा जस्ट आफ्टर, वैल्यू ऑफ अल्फा जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज, रॉड को रिलीज करने के बाद अल्फा की वैल्यू बताएं, तुरंत छोड़ने के तुरंत बाद अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम इसको रिलीज करेंगे, तो रिलीज करेंगे तो मान लेते हैं कि हिंज जो है फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, कुछ मान लिया एन वाई लगा रहा है, कुछ इस तरफ मान लिया एन एक्स लगा रहा है, और उसके अलावा इसके ऊपर एक एम जी लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि ये एम जी जो लग रहा है, अगर मैं इस एक्सिस के बोर्ड, चूंकि इसी एक्सिस के बोर्ड अल्फा निकालना है, तो अगर इस एक्सिस के बोर्ड हम देखेंगे तो एम जी का टॉर्क कितना आएगा, एम जी के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर आएंगे तो एल बाई टू आ जाएगा, तो एम जी का टॉर्क कितना आएगा, एम जी इंटू एल बाई टू, एम जी का टॉर्क हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री जी अपॉन टू एल, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलेरेशन ही हो जाएगा। अभी जैसे आपसे कोई कहे कि मान लो भाई ऐसे बोलो कि इस एंड का एक्सेलेरेशन आपसे कोई पूछे तो कितना आएगा बताओ, इस एंड का, ये वाला जो एंड है रॉड का, ये वाला जो सिरा है, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो इसके दो एक्सेलेरेशन, देखो रॉड क्या करेगी, जैसे मेरा हाथ मैंने छोड़ा तो ये सर्कुलर मोशन करेगी रॉड, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलेरेशन पॉसिबल है, कौन कौन से, एटी और एसी, एसी जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा जीरो है, रॉड को रेस्ट से छोड़ा, एसी ओमेगा स्क्वायर आर होता है, रॉड को रेस्ट से छोड़ा तो ओमेगा जीरो है, तो एसी तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ एटी बचेगा इसके अंदर, और एटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अल्फा, हाँ
तो अब अगर मैं एटी की वैल्यू मान लो निकालना चाहूं तो एटी की वैल्यू आर अल्फा आ जाएगी, आर हो गया एल और अल्फा हो गया थ्री जी अपॉन टू एल, तो एटी जो आएगा वो थ्री जी अपॉन टू आएगा और यही एक्सेलेरेशन हो जाएगा क्योंकि ए सी तो जीरो है ना, ए सी है ही नहीं इसके अंदर, तो थ्री जी बाई टू के बराबर हो जाएगा। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड फोर्स बाय हिंज ऑन रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड एंड फोर्स बाय हिंज ऑन रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज। रॉड को हमने रिलीज किया है ना, तो रिलीज करने के तुरंत बाद हिंज जो है जिस हिंज से ये बंधा हुआ है वो रॉड के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, ये सॉल्व करें। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हमें चाहिए हिंज जितना फोर्स लगा रहा है nx और ny की वैल्यू चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट लगाएंगे। हमने सेंटर ऑफ मास के अंदर ये पढ़ा था कि जो भी नेट फोर्स होता है वो MACM के बराबर होता है, किसी भी बॉडी पे 72 फोर्स लग रहे हैं लेकिन उन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन होगा, ये हम लोग जानते हैं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यही है। तो अगर हम इस बॉडी के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे mg लग रहा है नीचे, ny लग रहा है ऊपर, तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस ny, ये नेट फोर्स हो गया, ये बराबर होगा मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू MACM। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कितना होगा जरा ध्यान से देखें, ये सेंटर ऑफ मास जो है इसके दो एक्सेलेरेशन हो सकते हैं, एक AC और एक AT। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया AC जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, ओमेगा जीरो है रॉड का, ओमेगा जीरो है तो AC जीरो हो जाएगा। अब इसका AC तो जीरो हो गया, AT होगा R अल्फा, एक्सिस से दूरी इसकी L बाई टू है, तो एक्सिस से दूरी इसकी L बाई टू है और अल्फा जो है वो कितना आया था 3g अपॉन 2l, 3g अपॉन 2 आया था ना, कितना आया था 2l आया था, हाँ तो ये हो गया mg माइनस ny। अब यहां से L चला जाएगा और ny की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg बाई 4, ये ny की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन रुके अभी, ये तो ny आया, nx भी निकालना होगा ना, ठीक है जीरो क्यों होगा, हाँ अब आपको nx निकालना है तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है nx, ये बराबर होगा मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन इसका कितना है, एसी जीरो के बराबर है ना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन जीरो हो गया तो nx की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगी, तो जो nx आएगा वो जीरो के बराबर जाएगा, ny mg बाई 4 के बराबर होगा, तो जो नॉर्मल आएगा वो mg बाई 4 के बराबर आ जाएगा।